बाइक मेरे पीछे खड़ी हुई है, ये है जावा पेराक 2021 BS6 मॉडल। ये अप्रॉक्स मैंने 2000 किलोमीटर से ऊपर ड्रिवन कर दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट रिव्यू आपके साथ शेयर किया जाए कि ये बाइक आपको कंसीडर करनी चाहिए कि नहीं। अगर आप इस बाइक के बारे में सोच रहे हो, आप बाइक खरीदना चाहते हो या कंसीडर कर रहे हो, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो पहला पॉइंट जो मैं कवर करने वाला हूँ वो होने वाली है इसकी एवरेज। ये वो सवाल है जो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जावा कंपनी जो क्लेम करती है वो है 34 KMPL की एवरेज, बट रियल वर्ल्ड में ऐसी एवरेज आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आप बिल्कुल ही प्यार से मक्खन की तरह इसको मतलब 60-70 की स्पीड में क्रूज़ करोगे फिफ्थ या सिक्स गियर में, तो ये आपको 24-25 की एवरेज निकाल के दे देगी। बट अगर आप मेरी तरह इसका थ्रॉटल खोल के चलाते हो, मतलब 24 घंटे कान मरोड़ के रखते हो, तो मामला आ जाना 20-21 का, इससे ज़्यादा आपको ये एवरेज नहीं देगी। तो ये रही एवरेज की बात। अब मैं सेकंड पॉइंट जो कवर करना चाहूँगा वो है इसकी पावर। तो ये आती है 6 स्पीड में 334 cc लिक्विड कोल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि निकालता है 30 BHP और 34 Nm का टॉर्क, 34 Nm। तो ये वो है जो पेपर में दिखाया जाता है। अब मैं आपको बता दूँ लेमैन की लैंग्वेज में, जैसे मैं ये चला रहा हूँ, तो भाई साहब ये जो थ्रॉटल है खोलते ही बहुत तगड़ा पुश मिलता है आपको पीछे, मतलब गोली हो जाती है। मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो थ्रॉटल खोलते ये बाइक गोली हो जाती है। थर्ड पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा जो इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होने वाली है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो 145 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आती है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत कम है। अगर रोड थोड़ी सी भी ख़राब हो, बैड पैच रोड का आ जाता है, या आप इसको आप ऑफ रोड पर लेके जाते हो, तो नीचे टच होने के इसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो आपको ये बाइक इंडियन रोड्स पर काफ़ी ध्यान से चलानी पड़ेगी। तो इसके बाद वाला पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट होने वाला है वो मैं कवर करने वाला हूँ, वो होने वाले हैं इसके ब्रेक। तो फ्रंट में इसमें आती है 280 mm की डिस्क और बैक में आती है 240 mm की डिस्क। डोल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है और इस बाइक का जो बाइट है वो इतना अच्छा है, मतलब कॉन्फिडेंस आपको पूरा पूरा फील होने वाला है। तो आप जहाँ पे भी ब्रेक को टच करोगे, इशारा करोगे ब्रेक को, बाइक वहीं खड़ी हो जाएगी। तो इसके बाद वाला पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो इसके टायर, जो कि इसके सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी है। तो ये आता है स्पोक व्हील्स के साथ। तो टायर तो ट्यूबलेस है, बट स्पोक्स व्हील के होरन के कारण इसके अंदर ट्यूब डाली गई है। तो अगर लॉन्ग राइड में आपका कहीं पंक्चर हो जाता है तो ये आपको दिक्कत देने वाला है। तो पंक्चर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंक्चर भी रिजॉल्व हो जाता है, बट दिक्कत ये है इसमें डबल स्टैंड नहीं आता है। तो अगर किसी पंक्चर वाले के पास भी जाओगे तो आपको बाइक सीधे खड़े होने के लिए आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, जैसे कि आपको ईंटें रखनी पड़ेंगी नीचे या पत्थर, क्योंकि डबल स्टैंड तो है नहीं, आप सीधा खड़े होगे कैसे और टायर कैसे निकालोगे। तो इसके बाद जो मैं बात करना चाहूँगा वो होने वाली है इसकी रोड प्रेजेंस की। तो एक बार लुक चेक करो इसकी लुक की, मतलब लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे, पूछते हैं कि बाइक कहाँ से ली है आपने, कितने की ये बाइक है, क्या ये बुलेट है, आपने मॉडिफाई करवाया है। मतलब रोड प्रेजेंस के हिसाब से तो आपको लगेगा पैसा वसूल है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। मतलब लोग ऐसे पागलों की तरह है, मतलब इतना क्रेज़ है इस बाइक का, क्रेज़ नहीं है मतलब लुक्स की वजह से लोग इसके बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं। एक बार चेकआउट करो यार, बिल्कुल जेट ब्लैक में ही आती है, ऑल ब्लैक इंजन, क्या इसके टायर्स, क्या इसके हैंडल, सब ब्लैक में। तो इसके बाद बारी आ जाती है राइड क्वालिटी की। तो इसमें सस्पेंशन जो आता है फ्रंट में आता है इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आता है मोनोशॉक। तो अगर आप इसको सिटी राइडिंग के लिए, संडे राइड्स के लिए ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। मतलब अगर इसी कोई जंप्स आता है कुछ, मतलब बैड पैच आता है, तो ये जो शॉक्स होते हैं बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। बट आपको मैं बता दूँ इसकी जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी स्टिफ है। अगर आपको इसके लेकर लॉन्ग राइड पर जाना पड़ेगा तो आप इसको कुशन पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बैक बहुत जल्दी बोल जाती है, मतलब ऐसा लगेगा कि बैक पेन आपकी फटाफट से निकल जाएगी। और इसके साथ मैं बात करूँगा कि आपको ये बाइक टूरिंग के लिए लेनी है तो पहली डिसएडवांटेज जो इसमें आएगी वो आएगी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। उसके बावजूद अगर आपको करना है तो इसकी जो सेकंड सीट तो है नहीं, तो आपको इस पर अच्छा खासा मॉडिफिकेशन पे पैसा खर्चना पड़ेगा अगर आपको इसके अपने साथ लगेज भी कैरी करना है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा जो एक और मेन पॉइंट आता है वो आती है इसकी लाइट। तो इसमें हैलोजन बल्ब आता है, इसमें फ्रंट में जो है फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर लैम्प नहीं मिलता, बट मैं आपको बता दूँ इसके जो लाइट है उसका रात को व्यू इतना अच्छा है, मतलब लाइट का थ्रो। तो अभी तक जितनी मैंने चलाई है मुझे रात में कोई दिक्कत नहीं आ गई जो, और मैं इसके लाइट के रिस्पॉन्स से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो इसके जो बैक साइड आती है वो छोटी सी राउंड में रेड कलर की LED आती है, तो अगर आप इसको रात में देखोगे तो ये दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है और रोड प्रेजेंस भी इसकी इस वजह से काफ़ी इन्हांस हो जाती है। तो एक और पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूँगा वो है कि ये है बॉबर बाइक। अब बॉबर बाइक कोई भी उठा के देख लो वो हमेशा सिंगल सीटर ही आती है, तो सिर्फ एक ही बंदा इसको चला सकता है, मतलब एक बंदा राइड कर सकता है। तो अगर आप सेकंड सीट के बारे में सोच रहे हो तो कंपनी से वो नहीं आती है, ऑर्डर पे भी नहीं आती है, बट जो उसके बाद आफ्टर मार्केट में इसके काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट मैं ये आपको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि जो इसके 8 जो पास होकर आती है उसमें ये सिंगल सीटर ही आता है। तो अगर आप ये इसकी मॉडिफिकेशन करवाते हो तो अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो ये
इलीगल हो जाएगा, क्योंकि आरसी में सिर्फ ये सिंगल सीटर आती है। अगर सेकेंड सीट आप आफ्टर मार्केट चलाते हो तो वो एक इलीगल मॉडिफिकेशन होगी। तो मेरा फेवरेट पार्ट वीडियो का जो होने वाला है 0 to 100, इसका टेस्ट पावर तो ऐसे बता दूँ मैं, इसकी अल्टीमेट है। अभी हम चेक करेंगे 0 to 100 ही कितनी देर में जाती है। फाइनली हम आ गए 0 to 100 टेस्ट के लिए, तो ये होने वाला है, देखते कितनी देर में पहुंचती है। 1 2 3 ये 100 टच हो गई थी, 100 से ऊपर ही चली गई थी, नीचे नहीं थी। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ काम पड़ गया था, तो कल मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर कुछ की पॉइंट्स मैं कवर करना चाहता था कल, पर कर नहीं पाया था, वो मैं आज कवर करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया है, वो है इसका क्लच। तो ये बाइक स्लिपर क्लच के साथ नहीं आती है, तो क्लच इसका बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अगर आप इसको लॉन्ग राइड्स पर लेकर आते हो तो आपकी जो फिंगर्स हैं उसमें काफ़ी 3-4 दिन तक दर्द रहने वाली है, और अगर आप उसके बाद भी कंटिन्यूसली ड्राइव करते हो तो ये फिंगर्स में जो दर्द की आदत है वो जो आपको डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो इसका स्पीडोमीटर। जब आप जिस पोजीशन से आप राइड करते हो तो वहाँ तक लगभग 40 तक आपको स्पीड्स विजिबल होती है। तो जो नीचे वाला पैच देख रहे हो ये 100-120 तक, ये आप जिस पोजीशन से ड्राइव करते हो आपको विजिबल नहीं होती। आपको आइडिया से पता लगाना पड़ेगा कि आप कितनी स्पीड्स कर रहे हो, और साथ ही साथ में इसमें जो RPM मीटर है आपको नहीं दिया गया है। तो अगर मेरी तरह आप इंथुजियास्ट हैं चलाने के, आप फुल इंजन को रेव करते हो, तो आपको आइडिया से ही गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे कि जावा पेराग टूरिंग के लिए सही है कि नहीं है। तो मैं कहूँगा कि कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही नहीं है। तो अब सही क्यों नहीं है उसके ज़्यादा फेवर में हूँ कि सबसे पहले तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, तो 145 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है। तो जो अगर आप फॉर एग्जांपल लेह लद्दाख जाते हो तो वहाँ पे आप बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग आती है, जिसमें बाइक का नीचे नीचे लगने का पूरा पूरा चांस है। सेकंड पॉइंट जो इसमें कवर करूंगा वो होने वाला है इसके टायर्स ट्यूबलेस नहीं है। तो अगर इसका आप सोल्यूशन कर सकते हो कि एंटी पंक्चर जेल आप डलवा लो, वो छोटा मोटा पंक्चर झेल लेगी, बट अगर पंक्चर हो जाता है तो डबल स्टैंड इसमें है नहीं, तो बहुत आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। थर्ड, ये सिंगल सीट है, डबल सीट ये नहीं है। अगर आपको लगेज कैरी करना है तो उसमें भी आपको खासी दिक्कत होने वाली है, उसके लिए आपको बाहर से कैरियर वैरियर पे या किसी मॉडिफिकेशन पे पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको जावा पेराग को टूरिंग के लिए ले रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में ज़रूर रख लेना, क्योंकि ये सब चीज़ों पे आपको पैसा स्पेंड करना ही करना पड़ेगा। वो आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। अगर ऐसा ही इन्फॉर्मेशनल कॉन्टेंट आपको चाहिए तो कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ ऐसी ही कोई फन और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। बाय बाय।